जब हमने बॉडी को देखा तो हमको ये सबसे पहले दिखा, इसकी दोनों आंखें फोड़ती है, दोनों आंखें काली पड़ी। नंबर एक, दाहिना हाथ यहाँ से गायब, यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ हड्डी है, बाकी मांस यहीं से नहीं है, ये सिर्फ मेन हड्डी जो मोटी है वो यहाँ तक लटकी। उसकी दोनों तरफ की पसलियाँ कुचर दी गई है, वो टूट टूट करके पसलियाँ अंदर घुस गई। बहुत बुरी कंडीशन से उसके शरीर की दुर्गति। आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने आई हूँ जो उसकी गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि अभी तक उस केस की पूरी तरह से कार्रवाई और तहकीकात निकल कर नहीं आई है। उस महिला की डिलीवरी होनी थी और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन डिलीवरी के बाद वो महिला इमरजेंसी वार्ड से लापता हो गई थी और काफी खोजबीन की गई, पूरे बांदा शहर में अनाउंसमेंट करवाया गया। इसके बाद उनकी लाश उसी मेडिकल कॉलेज में एक नाली के पास मिलती है। हमारे छोटे भाई की घरवाली को बच्चा होना था, हम बांदा ले गए, बांदा में भर्ती हो गए दुर्गा मेडिकल कॉलेज। हमारा काम बढ़िया हुआ, हमारी बच्ची अच्छी स्वास्थ्य रही। जब छुट्टी होने का टाइम आया तब वो उनका अचानक से मौत बिगड़ा और उनको तुरंत डॉक्टर से कह करके हम वहाँ भर्ती करवाए इमरजेंसी वार्ड में। तो सब लोग उनको भर्ती कराया, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको आराम आया, ऑक्सीजन ले करके लिटा दिया। अब वो 5:42 में टीवी कैमरा में दिखाया गया हमको, वहाँ फिर निकली गेट से। फिर इसके बाद उसको कौन अपहरण किया, कौन कहाँ चली गई, वो कुछ नहीं हुआ। फिर हमको 30 घंटे बाद उसकी लाश एसयू वार्ड की नाली के बगल में मिली। कैसी जगह थी वो जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली, वहाँ पे क्या था? झाड़ नहीं थी, इस तरह की नाली थी। एसयू वार्ड जहाँ बच्चों का अस्पताल है उसके साइड वाले, उसमें नीचे बड़ी थी। जब ढूंढ रहे थे तो उसके पहले आपने राउंड लगाया था? हाँ, ढूंढा अभी राउंड। हमने एक एक गाड़ी शर्मा चली तरह, पुलिस भी ढूंढा, हम ही नहीं पुलिस भी गई वहाँ। आँख फोड़ दिया और उसकी तमी हाथ काट दिया, पसली कुचर दिया, ये जान का चढ़ दिया, कट दिया, कह दिया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इस तरह के गंभीर क्राइम का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले 2022 और 23 में भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में MBBS के 2 छात्र फांसी लगाकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर द्वारा पिछले साल सितंबर के महीने में एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला भी सामने आया था। फिर भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन चुप्पी साधे है, ना ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो रही और ना ही आरोपियों के खिलाफ जांच। ICU में जहाँ छोटे बच्चे रखे जाते हैं वहाँ किसी को अलाउड नहीं है जाना, ऐसा कह करके वहाँ जाने नहीं दिया, वहाँ हमें देखने नहीं दिया। और उसी के सेकंड गेट में, छोटा सा गेट है जहाँ से कचरा उचरा ये लोग निकालते हैं, उसी गेट के जस्ट बिल्कुल सीढ़ी के पास में ही बॉडी मिली हुई है। तो ऐसा ये पूरा अनुमान है कि इसी कमरे से निकाल करके बॉडी को रख दिया, क्योंकि कमरे के अंदर अगर पाई जाएगी तो हम पकड़े जाएंगे। और इतना 50-60 लोग मेरे गाँव से थे, सब लोग वहीं जमा थे, तो उनको समय नहीं मिला बॉडी हटाने का। और उन्होंने भरसक प्रयास किया कि बॉडी को काट काट करके इधर उधर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन एक हाथ ही काट पाए और नहीं आगे एक पैर काटने की कोशिश की। ये सब करके जो है, जब उन्हें कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने बॉडी निकाल के बाहर 11:30 बजे बॉडी। उनका पेटीकोट अलग से रखा हुआ है। अब पेटीकोट में जब स्क्वाड टीम वालों ने जो है देखा है, उसको उठाया है, उसमें व्हाइट स्पॉट भी है, इससे तो ये साफ जाहिर होता है। उधर PM रिपोर्ट में भी थोड़ा सा हमको जानकारों को हमने थोड़ा दिखाया था, लोगों ने बताया कि हाँ भैया इसमें भी पुष्टिकरण हुआ है।
तरल पदार्थ पाया गया। महिला के परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया है, इसके बाद उसके शरीर के अंगों को काट कर नाले में फेंक दिया गया है। सबूतों और गवाहों की माने तो मामला मानव तस्करी का भी हो सकता है। सोचने वाली बात है कि अगर इतने बड़े मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? अब 2 महीने हो गए ना, तो अपराधी अभी तक पकड़े गए, नाम जो देखा है, इतने जघन्य अपराध है, इतने केस लगे हुए हैं, इतनी धाराएं लगी हैं, जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की हो जानी चाहिए। लेकिन वही बड़े अधिकारी वो भी हैं, कोई नहीं चाहता कि तो कौन सी धाराएं लगी हैं आप जरा बताएंगे और किन के नाम FIR? 364 है, 302 है, 376 है, 201 और 34 है। 11 लोगों को DM साहब की जांच में जो कराई है उसी ठहराया गया उनके द्वारा, जिसमें से 7 डॉक्टर थे और 5 सफाई कर्मी थे, बाकी डॉक्टर थे। तो उन्हीं में से 9 लोगों को हमने लिया, जिसमें से 8 डॉक्टर हैं और 1 सफाई कर्मी है, जो सर्वप्रथम हमको सूचना दिया था बॉडी की वहाँ पुलिस चौकी, क्योंकि सफाई करने के लिए तो रोज जाता होगा, पहले क्यों नहीं देखा उसने? क्या बॉडी उस दिन नहीं थी? आज कहाँ से आ गई? फिर तुमने ही क्यों देखा? फिर 11 बजे जाने का तेरा क्या मतलब है? सफाई तो सुबह 6 बजे चालू हो जाती है। बांदा पुलिस भी इस मामले के बारे में कोई ठोस जवाबदेही नहीं दे पाई। एक ग्राम नेथुआ थाना थर्रा की 40 वर्षीय महिला डिलीवरी के लिए 3 तारीख को अस्पताल में भर्ती हुई थी, उनकी डिलीवरी हुई थी। कल सुबह 7 बजे से वो अस्पताल से गायब हो गई थी। सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस ने दिन भर तलाश किया है और वीडियो में जो CCTV फुटेज था उसमें वो अकेले जाती हुई दिख रही थी। आज जो है अस्पताल परिसर में ही 100 बरामद हुआ है और इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इसमें इन लोगों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाए जा रहे हैं। उस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होगी उनके स्तर से कराई जाएगी। कैमरे में भी उसको अकेले निकलते हुए देखा गया, अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, बाकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सर आपने भी डेड बॉडी देखी होगी, क्या लगा आपको देखकर? नहीं, डेड बॉडी तो क्योंकि पुलिस के पास थी, हम लोग तो नहीं देखे, तो बाहर से ही रहे। लेकिन जो परिवार का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही से हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखिए, ये तो जांच का विषय है, अब वो क्योंकि अब मामला विवेचनाधीन है तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं। यहाँ पर कितने वैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं? तो सब मिलाकर के करीब 55 कैमरे के आसपास लगे होंगे और उस घटना के बाद से हमने अब कैमरे जहाँ जहाँ नहीं लगे थे उसको लगवाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। इस केस ने हमारे मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज एक क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है? क्या यहाँ पर इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? आखिरकार मेडिकल कॉलेज प्रशासन से सख्त जवाबदेही क्यों नहीं मांगी जा रही? और शक के घेरे में आ रहे लोगों को सिर्फ निलंबित कर देने से क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं में रोक लग पाएगी? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।